हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो, मैं पोज ले रही थी अपनी दीदी का चांद के साथ और वो दे भी रही थी, मतलब उसके भी। दोस्तों मैं तो फकीर हूँ ही, लेकिन बहन भी मेरे साथ फकीरों के लक्षण पे आने लगी है। मजाक कर रही हूँ, चांद बहुत अच्छा निकला था लेकिन रिकॉर्ड करने के नाम पे चुन्नू भर का आ जाता है, तो खैर कोई बात नहीं। मैंने कहा दीदी तुम इतना बढ़िया रेडी हुई हो, जरा दिखाओ तो सही, जो हंटर वाली बनी हुई हो, बढ़िया बढ़िया बूट्स पहन के। मतलब हम लोग जब बूट्स पहना करते थे तो मजाक उड़ाते थे कि कहीं हंटर वाले ना लगे। अब तो जमाना बदल गया है, आप मुझे भी देख सकते हो। देखो मैं कैसे बन के जा रही हूँ, बहुत ज्यादा सोचती नहीं आजकल, मैं बहुत रॉ हो गई हूँ। सच बताओ तो हस्बैंड की जैकेट पहन के गई हूँ आज। और अब थोड़ी देर में दिल की बात करना चाहूंगी। इस मार्केट को आप देख रहे हो, कितनी बढ़िया मार्केट है दोस्तों। और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, वहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी मार्केट होती है। और एक औरत ही जान सकती है ऐसी मार्केट का सुख, मतलब मैं औरत जात में ही आती हूँ और इसमें कोई दोराहे नहीं है। बहुत ही बढ़िया मार्केट, वो भी दिल्ली की। मतलब आप सोच सकते हो ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है दोस्तों। बस एक चीज नहीं मिल सकती दोस्तों, वो है मेरा ईयरफोन जो कल खो गया था। मजाक कर रही हूँ, और मेरी ऐसी बातें सुन के आप देख सकते हो कि ब्लैक बाबा नाराज हो गए, मेरी ही गाड़ी के पीछे चलते चले आ रहे, इतने गुस्से में दोस्तों। और इसके ऊपर बैठा कौन है? जब इतना गाड़ी पहिया सब हो गया, अब भी जानवरों को घसीलने की क्या जरूरत है दोस्तों। खैर बात की बात रही, ऐसे मुद्दों पे बात करूंगी तो मेरा डार्क साइड बाहर ना आ जाए। मजाक कर रही हूं। एक्चुअली आज हम लोग निकले थे, दीदी को कुछ शॉपिंग करनी थी और बहाने बहाने से घूमना भी था कि भाई चलो दिल्ली आए हैं तो थोड़ा इधर उधर घूम। पर यूं ही तो कहा नहीं जाता कि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ही गंदा होता है, दिल्ली मुंबई का ट्रैफिक बहुत ही गंदा होता है। सच बात है, एक घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे, मतलब ये भी कोई बात होती है? मैंने तो सोचा था कि एक आध घंटे में तो जाके आ जाएंगे यहाँ तो। पर यहाँ पे भी मैं दीदी के साथ इसीलिए गई थी, उसे लग रहा था कि मैं उसकी मदद करने जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो गई थी अपने पापी पेट के लिए। पापी लाडू रानी बहुत मस्ती कर रही थी अपनी अम्मा के साथ, खेलू कर रही थी, किसी कर रही थी और मुझे चिढ़ा रही थी कि मनु मुझे देखो। छोटी लड़की के साथ मस्ती कर ही रही थी कि तभी आ गई मार्केट जहाँ से दीदी को शॉपिंग करनी थी। और दोस्तों मुझे समझ नहीं आता है कि लोग पार्किंग को लेकर इतना परेशान क्यों है। गाड़ी अगर ढंग से ना लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। किसी तरह गाड़ी लगा के हम लोग निकले इतने रश में, और यहाँ देखा कि बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है जो मेरे ऊपर ओवर साइज ना हो। हस्बैंड ने कहा ओवर साइज नहीं होगी, चिंता ना करो, टाइटी होगी। दोस्तों अगर मैं मोटी हो गई हूँ तो डंके की चोट पे लोगों को कहना चाहिए कि तुम मोटी हो गई हो, बातें छुपाने की क्या जरूरत है, बोल दे सीधे से, इनडायरेक्ट बोलने का क्या होता है। तो ट्रेडिशनल कपड़ों की शॉप पे हम लोग आ गए थे और मैं देख रही थी कि बहुत बढ़िया साड़ियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। दीदी ने तो कर भी ली शॉपिंग इतनी जल्दी, और जो भी कपड़ा स्टिचिंग के लिए देना था वो भी दे दिया, लेकिन वहाँ मैंने देखा ये चुड़ैल। दोस्तों मुझे तो ये स्त्री मूवी वाली चुड़ैल लग रही है, ठीक है लेकिन रात को सपने में ना आ जाए। खैर हम लोग निकल गए अपने मेन टास्क जो था मेरा पेट भरना। मजाक कर रही हूँ, मैं तो खा लेती हूँ कुछ भी। और यहाँ पे हम लोग स्प्राउट्स खा रहे थे, बढ़िया चटपटे। न जाने क्यों सबको ऐसा लगा कि वो बहुत सारा नहीं खा पाएंगे, इसीलिए सब मेरी ही प्लेट में चम्मच लगा के खाने लगे, लगता है सारी दुकान खा रही हूँ। फिर मेरे जीजू ने कहा चाट खाने चलते हैं, और उन्हीं के नाम की चाट थी, मतलब ये तो बेइज्जती हो गया अतुल चाट। मैंने कहा जीजू सा ऐसी दुकान पर खाने की कोई जरूरत नहीं है जहाँ पे हमारी इज्जत ना हो। मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे फालूदा भी था। आप सोच रहे होंगे कि छोटी लड़की जो है उसके दांत तो है नहीं तो वो कैसे खाएगी, हम लोग खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोगों ने कम खाया और छोटी लड़की ने मुझे डांट डांट के मेरी प्लेट से सारा खा लिया, मतलब गोलगप्पे भी खा रही थी। फालूदा देख के मेरे ऊपर चिल्ला चिल्ला के उसने हड़कंप मचा दिया, बोला सारा फालूदा मुझे खिलाओ, मुझे सुनाई दिया ऐसी बात उसके मुंह से। दीदी कहने लगी लखनऊ जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा गप कर गई, आंखें बंद हो गई, कहने लगी टू गुड, बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं फालूदा खाने जा रही हूँ, बहुत देर से आपसे बात नहीं की, मेरे ब्लेजर में 3-4 बार हस्बैंड ने गिरा दिया, खा रही हूँ। दोस्तों मेरा नजरिया कोई गलत नहीं, लेकिन आप खुद बताओ ये नाम थोड़ा गंदा नहीं लग रहा? मोठ कचौड़ी गोला चुस्की। खैर माई माइंड इज डर्टी। और जाते जाते मैंने बोला यहाँ जो भी दिख रहा है वो भी मुझे खिलाओ, छोले भटूरे की भी डिमांड करी थी, और वापस आके मैंने छोले भटूरे भी खाए हैं जो कि दिखाया नहीं। इस पे मेरी दीदी ने बोला तुम्हारा पेट ना भरा हो तो घर में बिरयानी भी रखी है मनु, तुम्हारे ही लिए बनाई। मैंने बोला दीदी पेट भर गया, मैं और नहीं खा सकती हूँ। मजाक करी दोस्तों, घर आके मैंने बिरयानी भी खाई। तो खाना पीना तो जिंदगी है, और इसके अलावा मैं क्या ही बोलूं। खैर आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।